नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक पीएफ खाताधारक है, आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपका सवाल ये जरूर होगा कि ये जो पीएफ में आपका पैसा यहाँ पर जमा हो रहा है, जो आपकी सैलरी से 12% कट के जमा हो रहा है, ये पैसा आपको कब मिलता है और किन नियमों के तहत कब इस पैसे को जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में यही जानकारी आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर की जानकारी हम समय समय पर देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी एक पीएफ खाता धारक है, आपका भी ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपकी जो सैलरी होगी बेसिक प्लस डीए मिलाकर उसका 12% आपको ईपीएफओ में जमा करना होता है। इतना ही पैसा आपके उस कंपनी, आपके उस नियोक्ता की ओर से भी आपके इस पीएफ खाते में जमा किया जाता है। यानी कि 1200 रुपए प्रति महीना आपकी जेब से यहाँ पर ईपीएफओ खाते में जा रहे हैं, तो 1200 रुपए ही उस नियोक्ता को भी आपके ईपीएफओ खाते में जमा करने होते हैं। लेकिन नियोक्ता की ओर से जो 12% हिस्सा जमा किया जाता है, उसका 8.33% हिस्सा पेंशन में यहाँ पर जाता है और 3.67% हिस्सा आपके जो 12% है उसके साथ मिलकर ईपीएफओ अकाउंट में रहते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के पैसे जो है आपके ईपीएफओ अकाउंट में जमा हो गए, पहला ईपीएफओ के अकाउंट में और दूसरा ईपीएस पेंशन के अकाउंट में। अब ये जो ईपीएफ का पैसा है, ये जो है आप कब निकाल सकते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो ईपीएफ का पैसा है, इसे निकालने के लिए आप दो तरीके आजमा सकते हैं। पहला, यदि आपकी नौकरी चालू है और आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, आपको कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो आप ईपीएफओ में रखे इस पैसे को निकाल सकते हैं। ईपीएफओ में रखे इस पैसे को निकालने के लिए, नौकरी चालू रखते हुए निकालने के लिए आपको फॉर्म 31 ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसे कि एडवांस फॉर्म 31 कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपकी नौकरी चालू है, आपको पीएफ का पैसा निकालना है, आप फॉर्म 31 ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो जितना भी पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट में है, उसका लगभग 75% तक का आप यहाँ पर अलग अलग नियमों के तहत विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आपने नौकरी पूरी तरह से छोड़ दी है, आप अभी कहीं दूसरी जगह पर काम नहीं कर रहे हैं, आपका पीएफ में पैसा कटना बंद हो चुका है, ऐसी स्थिति में यदि आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपने जब भी यहां पर नौकरी छोड़ी है, उसके 2 महीने बाद आपको जो है ईपीएफ फॉर्म 19 ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ईपीएफ फॉर्म 19 भरकर आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें कि आपके तरफ से किया गया 12% का कंट्रीब्यूशन और आपकी कंपनी की तरफ से किया गया 3.67% पैसों का कंट्रीब्यूशन वाला जो पैसा होता है, ये पूरा अमाउंट जो है आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्म 19 को अप्लाई करने के लिए दो ही कंडीशन है कि आपने कम से कम ईपीएफओ में 2 महीने यहां पर जो है कंट्रीब्यूशन किया हो और आपने जो नौकरी छोड़ी है, उस नौकरी को छोड़े हुए आपको 2 महीने या उससे ज्यादा हो चुके हो, ऐसे में आप फॉर्म 19 अप्लाई करके अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अब सवाल आता है दूसरा पैसा, यानी कि पेंशन का पैसा निकालने के लिए। तो पेंशन का पैसा यदि आपको ऑनलाइन निकालना है, तो इसके लिए आपको फॉर्म 10C भरना होता है। फॉर्म 10C आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन कम से कम 6 महीने का है और अधिक से अधिक 10 साल का है। यानी कि 6 महीने से ज्यादा आपने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन किया है और 10 साल से कम आपने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। यदि 10 साल से ज्यादा आपने ईपीएफओ में पैसे जमा करवाए हैं, 10 साल से ज्यादा आपने किसी कंपनी में यहाँ पर काम कर लिया, ईपीएफओ में पैसे जमा कर दिए, तो आप ये पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि जब आपकी उम्र यहाँ पर 58 वर्ष की होती है, उस समय तक इस पेंशन के अकाउंट में जितना भी पैसा यहाँ पर जमा होता है, इस पर एक विशेष कैलकुलेशन के तहत आपको जो है पेंशन मिलना शुरू होती है। ये पेंशन आपकी वर्तमान नियमों के तहत न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक बन सकती है। तो आपको यदि पेंशन का पैसा निकालना है, तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि कम से कम आपने 6 महीने से ज्यादा सर्विस की हो और ज्यादा से ज्यादा आपने 10 साल तक की सर्विस की हो। यदि 10 साल से ज्यादा की आपकी सर्विस है, तो आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि तब आप 58 साल की उम्र होने पर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यदि 10 साल से कम की आपकी नौकरी है, आपने नौकरी पूरी तरह से छोड़ दी है, तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप फॉर्म 10C भर के पेंशन का पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के इस वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप एक पीएफ खाताधारक है, तो आप पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं, पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हैं और नौकरी चालू रखते हुए भी एडवांस पीएफ कब निकाल सकते हैं। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।